सो है गाइस, व्हाट्स अप, बैक टू द चैनल और स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो यार स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। जैसे कि मैंने दो दिन पहले एक नया वीडियो डाला था, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया। सो गाइस, मैंने ना परसों एक यूट्यूब पे ना एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि भाई तुमको ना कैसे ब्लॉग चाहिए। एक था डेली ब्लॉग, एक था कॉमेडी ब्लॉग, एक था ट्रैवल ब्लॉग और एक ऑप्शन था भाई रहने दे तेरी बस की नहीं है। तो यार उसमें ना आप लोगों ने कमेंट किया था या वोट किया था ना कि आपको डेली ब्लॉग चाहिए। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का डे। और आज की लोकेशन की बात की जाए तो पता नहीं कहाँ पर है भाई। बाकी यार हम लोग ना सब रेडी हो चुके हैं काम के लिए। मैंने यार अभी हम अपने रूम पर है और खाना भी ना हो गया, नाश्ता वास्ता यहीं से करके जा रहे हैं। यार रस्ते में ना खीर नहीं मिलने वाली। गैस क्या भाई, गैस तो बंद कर दी। तो यार पता क्या, जब हम कमरे से निकलते हैं ना हमारी गैस बंद करनी पड़ती है क्योंकि यार कभी भी खतरा हो सकता है। तो गाइस एक बार ना आपको पीछे का मौसम चेक कराता हूं कैसा है भाई आज का। सो गाइस फाइनली अभी हम रूम से निकल चुके हैं और दोस्तों आज के मौसम की बात करी तो भाई बहुत अच्छा यार। मतलब आज ना पूरी धूप लगी है, बारिश का मौसम नहीं है। और पिछले वाले ब्लॉक में ना पूरी बारिश का मौसम था सच में। और यहाँ ना पूरी झाड़ियाँ हैं यार, मतलब जैसे गांव में होता है ना वैसे यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं हिमाचल में। गाइस अभी हम जा रहे हैं रोड की तरफ। जैसे कि आप सबको पता होगा जो मेरे डेली ब्लॉग देखता है, रोज का ब्लॉग देखता है, हम सड़क पर जाएंगे, वहाँ से गाड़ी आएगी। और आज की लोकेशन पता हमें कहाँ मिली है? पता नहीं यार, उस तरफ है, गांव में है यार, मुझे क्या पता यार कैसी लोकेशन है, कौन सी जगह है। तो गाइस यार अभी ना सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ पर इतनी तेज धूप लग रही है ना, ऐसी धूप भाई गर्मियों में लगती है। जैसे हमारे गांव में गर्मियों में धूप लगती है ना बहुत खतरनाक वाली, वैसे ही अभी धूप लग रही है यार। सो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं यार आज का ब्लॉग कैसा होता है, आज का डे हमारा कैसा निकलता है। बाकी यार आप लोगों ने बोला था ना कि भाई डेली ब्लॉग बनाओ, मैंने एक पोस्ट डाली थी कि भाई आप लोगों को कैसे ब्लॉग चाहिए, डेली ब्लॉग चाहिए, कॉमेडी ब्लॉग चाहिए, ट्रैवल ब्लॉग चाहिए या तेरी बस की नहीं रहने दे। तो उसमें से आप लोगों ने ना सबने डिसाइड किया था कि भाई डेली ब्लॉग करो। तो देखते हैं अब डेली ब्लॉग करेंगे, अब से हम रोज ब्लॉग करेंगे। एक चीज और भाई, डेली ब्लॉग में पता क्या होता है, जो चीज हम रोज करते ना वो दिखता है, तो आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा भाई हम क्या करते हैं। तो हमारा जो वर्क है ना वो आपको दिखाएंगे। सो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस फाइनली यार अभी हम जा रहे हैं गांव के अंदर और भाई ऐसी झाड़ियों में ना भाई बहुत डर लग रहा है सच में, कहीं से बाघ आ गए ना काटने के लिए। पूरा कच्चा रास्ता है भाई यहाँ पर ना, बहुत डर होती है इस जगह पे गाड़ी चलाने में क्योंकि बरसात का टाइम है, कहीं फंस फूस गए तो और दिक्कत है यार भैया को, है ना भैया। नाले भी आते हैं यहाँ पर बता रहे हैं भैया, बहुत खतरनाक वाला गधेरा आता है। और आप देख सकते हो कितनी सुनसान जगह है भाई। क्या था बिल्ली देखे नहीं तुम्हारी। सो गाइस बात की जाए अगर मौसम की तो भाई आप ये चेक करो एक बार, पहले मतलब सुबह ना पूरी धूप लगी थी और अब पूरी छाया हो चुकी है। भैया क्या हाल है? बढ़िया, राम राम। तो गाइस आप देख सकते हो झाड़ियों के बीच से निकल रहे हम, दो सड़क पटरी। भैया ये कचार है भैया। और यहाँ देख सकते हो भाई, पता नहीं कौन सी जगह जा रहे यार, कहाँ जा रहे हो। और यहाँ से एक चढ़ाई आ गई है बहुत खतरनाक वाली हिल। ओ भाई, और भाई नज़ारे चेक करो दोस्तों आप एक बार यार। ओ भाई, ओ भैया गिलहरी। सो गाइस फाइनली अभी हम इस जगह पहुँच चुके हैं और आप एक बार ये चेक करो यहाँ की लोकेशन, पूरी जंगल है यार यहाँ पर, पूरी झाड़ी और यहाँ के ग्रीन व्यू देख रहे हो भाई, एक नंबर यार। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अभी मुझे यहाँ पे अमृत मिल गए और इस पेड़ पे मिले भाई। और दोस्तों यहाँ पर ना पूरी मक्के की खेती हो रही है, आप देख सकते हो इस तरफ को, और यहाँ पर हम खड़े थे। सो गाइस फाइनली यार अभी मुझे अपना अमरुद मिल गए हैं। अमरुद भाई हम पहले अपने गांव में खाते थे बहुत ज़्यादा यार, सच में बरसात में पेड़ों में रहते थे दिन भर, सुबह अमरुद शाम का अमरुद, बस चला लो, वहाँ रास्ता नहीं है जाने का भैया, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ पर गेट लगा बड़ा। दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक चीज़ है, यहाँ पर ना मतलब जो चिड़िया होती है ना उसके लिए खाना देने के लिए और पानी देने के लिए बनारखा, देख रहे हो पूरा पत्थर से बनारखा भाई, बहुत खतरनाक लग रहा है यार ये। और ये देख हड़की कुकुर लटक रहा, आ जा कुची, इसको देख रहे आराम से लेटा पेड़ के नीचे, ना कोई टेंशन ना किए, आराम से जा से जा, देखते हैं सर भाई खा जाएगा रे भाई। ये देखो यहाँ पर एक रोटी रखी है, अबे यार उस कुत्ते को लग रखी है यार सच में यार, आज सो जा जा। सो गाइस हमारी टीम में ना एक चेंज होने वाला है, मतलब ओम भाई की शादी होने वाली है, इनके लड़की देख दिए ना, है ना फोटो आ गई आज, देखी मैंने लड़की की फोटो, तुम्हें पसंद आया भाई?
आप देख रहे हो मतलब प्यार में कितने फूक गए लौंडे भाई। मतलब इनको ना ये खाना बनाए, यहाँ खाना नहीं खा रहे और इस तरफ भाई गद्दा लगा रखा है आड़ पे। कोई बात नहीं भाई, ओ सही है। और आपको दिखाते हैं बाहर का माहौल क्या चल रहा है, यहाँ भी दोनों लेटे हैं। सो गाइस फाइनली अभी शाम हो चुकी है और लोकेशन की बात की जाए तो भाई कुछ ऐसी जगह पे हम रहते हैं, मतलब अभी ना हम छत पर आ रखे थे मैं और ओम भाई, और यहाँ पर ना 15 अगस्त को एक झंडा लगाया था जो कि अब लहरा नहीं रहा बिल्कुल नहीं। तो यार फाइनली अभी हम रूम पे पहुंच चुके थे सब लोग, मतलब काम ना निपट गया हमारा आज का। जैसे कि मैंने कल एक YouTube में पोस्ट किया था कि भाई तुमको कैसे ब्लॉग चाहिए, यार डेली ब्लॉग तो नहीं हो पाएगा, मैं जितनी कोशिश करूंगा ना भाई कि 2 दिन में या 3 दिन में एक वीडियो जरूर लाऊं, क्योंकि यार एक तो भाई पूरा ब्लॉग बनाने के लिए इतना सारा कंटेंट चाहिए ना मुझे, इतनी लोकेशन चाहिए, इतना सारा कंटेंट लाने के लिए भाई कम से कम टाइम तो चाहिए यार, तो इसलिए भाई 2 दिन लग जाएंगे यार वीडियो आने में। बाकी फिलहाल आप लोग पीछे का नज़ारा देख सकते हो, बहुत अच्छा है। आज का डे तो कम से कम कट ही गया है यार, और भूख भी लग रही है भाई बहुत ज़्यादा। हमने सुबह चावल बनाए थे ना वो ख़त्म हो गए, और मैं बाहर गया था अभी, वहीं से मैंने समोसे खाए, उसके बाद पेट भर के आ गया भाई। सो गाइस एक बार कमेंट जरूर करना कि भाई तुम्हें कैसे ब्लॉग चाहिए, डेली ब्लॉग चाहिए होंगे तो मैं डेली ब्लॉग करूँगा, कोशिश करूँगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और गाइस कल का डे बहुत खतरनाक गया भाई, पूरा दिन मतलब ऐसे निकल गया पता ही नहीं लगा। तो फाइनली यार आज नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो यार अभी ना सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज हम बहुत जल्दी उठ गए यार, इसने ना बहुत जल्दी चाय दे दी और इसलिए मैंने सोचा यार उठ लेते हैं आप, क्योंकि यार बहुत देर तक सोना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो गाइस आज का डे पता नहीं कैसा होगा, मुझे नहीं पता। और एक चीज़ और, आज सुबह उठ के मैंने एक चीज़ सोच ली कि भाई आज मैं नहाऊंगा नहीं, मतलब आज नहाऊंगा नहीं, मेरा मन नहीं नहाने का यार। है भाई मेरे बाल जो बने हैं ना अच्छे बने कसम से, मैं नहीं चाहता कि उसको नहा के बिगाड़ दूं, इसलिए भाई सही है यार मैं नहीं नहा रहा, मेरी मर्जी मेरी लाइफ भाई। और गाइस नहा नहा के ना रोज रोज नहाना नहीं चाहिए वैसे, पता है बॉडी स्ट्रांग नहीं हो पाती यार, क्योंकि मैं जिम करता हूँ इसलिए बॉडी स्ट्रांग बनानी है। तो गाइस करते हैं आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग। और हाँ यार आज ना हम खाने में कुछ नहीं बना रहे यार, क्योंकि भाई हमारे पास जो तेल था ना तेल खत्म हो गया सच में, ये कह रहा है इतने तेल से बनेगा क्या। गाइस एक काम करते हैं आज ना ऐसी रेडीमेडी हो। एक चीज और, मतलब मैं सुबह उठा ना मैंने सोचा लौंडे भर्ती में होंगे निकल के 2-3, तो यार मतलब सही है भाई, मेहनत करेगा तो फिर भी होता है भाई, अगर तुम कुछ चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो ना तो तुम्हें हार भी मिलती है जीत भी मिलती है। मैंने बोला भाई कि क्या हुआ, कह रहे भाई यार मतलब जल्दी रस्सी खींच दी थी यार, 5:20 पे 5:15 पे खत्म कर दी थी और 15-20 लड़के लिए बस। मैंने कहा कोई बात नहीं अगली बार ट्राई कर लेना। सो गाइस फाइनली अभी आलू उबाल के रख दिए और जल्दी उबालते फिर खाएंगे, ठीक है। यार फाइनली आज का नाश्ता कुछ ऐसे होने वाला है भाई, क्योंकि यार मन नहीं कर रहा था बनाने का और तेल भी नहीं था, इसलिए हमने सोचा ये वाला खा के आज निपट लेंगे। तो गाइस अभी हम रेडी हो चुके हैं, जैसे कि आपको पता होगा हमने शर्ट वर्ट पहन लिए और फाइनली यार टाइम भी मतलब 9 बज चुके हैं। गाइस अभी ड्यूटी का टाइम हो गया है। क्या है बे? क्या बे, चल ड्यूटी, चल रुक दे यार। अबे 9 बज गए, चल भाई। देखिए भाई से काम हम करना नहीं है, 9:16 तक महंगा भाई, तुम्हें बता दी कब उठ गया मैं सुबह, उठ गया भाई आलू वाला, आलू खाए उस टाइम के बाद, आलू खाए ना बना दे। अच्छा आलू आलू खाएंगे हम, तेल लिए तेल तेल लेके आता है बगल में दुकान है, हैं भाई देख रहा है कसम से सो रखा है और मैंने खाना बनाया 5 मिनट और। सो हे गाइस फाइनली अभी हम निकल चुके हैं रूम से यार, नाश्ता वास्ता कर लिया हमने, आलू खाए थे भाई। धूप ना बहुत तेज हो रही है जिससे ना मतलब थोड़ा आंखों में रोशनी पड़ रही है बहुत खतरनाक वाली। और अभी हम कुछ इस तरह के जगह पर है, मतलब आगे सब लोग चले गए और मैं यहाँ से आ रहा था। अभी हम रोड पर खड़े हैं यार और गाड़ी में कहीं से कहीं तक दिख नहीं रही यार, पता नहीं कहाँ गई। और अब चलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली गाड़ी आ चुकी है। हेलो भैया कैसे हो? तो गाइस जैसे कि अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और भैया ने आज पूरा मतलब दाढ़ी वाड़ी कटा दी, बाल बाल कटा दी, कटारिया बन गए कटारिया। चलिए अभी अभी वो चल रहा है लंच टाइम, तो दोस्तों अभी यहाँ से खाना वाना खाते लंच वंच करते उसके बाद निकलते वापस। सो है गाइस गुड इवनिंग। तो यार आज का डे ना पूरा ऐसे चले गया, हम जब काम पे से घर पे आए तो पूरी बारिश हो गई दिन भर यार, और मैं सो रखा था। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जिसने वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। तो गाइस स्टार्ट।